हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन दाकने, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन। हिंदी में अवकलन कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब जनरली होता क्या है, डिफरेंशिएशन हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि यार डिफरेंशिएशन है बहुत बड़ा टॉपिक है, बच्चे डर जाते हैं 11th में, यार सर डिफरेंशिएशन कैसे होगा क्या होगा। बहुत सिंपल, डिफरेंशिएशन मैथ्स का सबसे सिंपल टॉपिक है। जैसे देखिए, डिफरेंशिएशन क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या सिस्टम होता है, कैसे क्या होता है, इस हम पूरे वीडियो में चीज़ समझेंगे। जैसे ये लिखा है कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करिए, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका देखो, डी अपॉन में डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी एक फंक्शन है, जैसे ये कोई फंक्शन है, जैसे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स क्यू है वो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो इसलिए हम इसके इसमें रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, d अपॉन में डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी फंक्शन का। तो अगर x टू दी पावर n का करते हैं, जैसे x की भी कोई पावर होती है, तो n सामने जाएगा, x टू पावर n माइनस वन। अगर डिफरेंशिएशन आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और अगर वो दोनों ही सेम होते तो आंसर 1 आता है। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x आपका होता है cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x ये आपका होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x ये आपका होगा माइनस cos x स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x ये आपको हो जाएगा sec x tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ये आपको हो जाएगा माइनस में cos x इंटू में cot x। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, साइन जो आपके साइन वाला जो फंक्शन होता है, और हाँ मैं और भी बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ log x आपको होता है 1 अपॉन में x। ठीक है, तो जनरली ये क्या होते हैं आपके, मैंने x की पावर वाले फॉर्मूले, और साइन का जो होता है, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने अपन ने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यहाँ पे करे हैं। वैसे फॉर्मूले और भी होते हैं, लेकिन बेसिक आपको ये पता ही होना चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे देखिएगा, पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, क्या होता है n, पावर सामने जाता है और पावर में से कम हो जाता है। तो जैसे अगर मैं इसका करूँगा तो क्या होगा, पावर सामने आया, 3 सामने आएगा और x, और 3 माइनस 1, दैट मीन्स 3x टू दी पावर 2, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे आप और कर लीजिए, मैं x की टू दी पावर 9 का डिफरेंशिएशन करता हूँ, क्या होगा, पावर सामने आएगी और x 9 माइनस 1, तो मतलब 9x टू दी पावर 8। ठीक है, और कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन में x का क्यूब ये लिखा हुआ है, तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी इस तरीके से लिखा रहे तो पहले इसको ऊपर लेके आना है, तो ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, प्लस में होती वो किस में हो जाएगी, माइनस में, माइनस में होती प्लस में। अब वही पावर सामने आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो माइनस 3x टू दी पावर माइनस 4। तो आया आपको ये समझ में, ये बेसिक एक बहुत छोटे से मैंने एक डिफरेंसेस हम शुरुआत कर रहे हैं, जो आप आगे तक बहुत लंबा कर लेंगे इसको। आया समझ में ये, इसको इरेज कर देते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसको आप y के इक्वल्स मान लीजिए, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, ध्यान से इसमें आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स, मीन्स y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन में डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस में d अपॉन डी एक्स बी एक्स और प्लस d अपॉन में डी एक्स सी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे a, b और c आपके तीनों कांस्टेंट हैं, x को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करें, सिर्फ x फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि अगर आप इसके करोगे तो a का कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा आपका x स्क्वायर का, यहाँ b भी ऐसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा आपका सिर्फ x का, और यहाँ तो x ही नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें c का ही करना पड़ेगा। मतलब ये कि जब कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट नंबर अगर फंक्शन के साथ होता है, तो आप उसका कुछ नहीं करेंगे, वो जैसा वैसा ही रहेगा, और बस इसका कर देंगे तो इसका क्या होगा, दो 2 सामने आएगी पावर और 2 में से एक चला जाएगा,
बी ऐसे ही रहेगा, एक्स का क्या होता है 1 जैसे मैंने आपको बताया था, और सी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो क्या होगा 0। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर कांस्टेंट किसी के साथ लिखा है, एक्स के साथ लिखा है, तो उसका आप कुछ नहीं करेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, और अगर वो अकेला है तो अकेला आएगा तो मरेगा, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका 0। तो ये आंसर आएगा 2ax + b, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा ax² + bx + c का। समझ में आ गया आपको? मैं और भी कांस्टेंट लेकर अपन समझते हैं। जैसे लिखा है 2sin x + 4x², ये एक हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको y cos 2 मान लेता हूँ, तो वही क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको जाएगा dy/dx बिकॉज ऑफ y का डिफरेंशिएशन। अब ये मत कहिएगा कि सर y जीरो कर देते हैं, y तो आपका फंक्शन के इक्वल है इसलिए हम इसको जीरो नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये फंक्शन के साथ लिखा है, डिफरेंशिएशन करूँगा मैं सिर्फ sin x का, फिर वही 4 ऐसा ही रहेगा और डिफरेंशिएशन करूँगा मैं किसका, x² का, क्योंकि वो x के साथ है। तो 2 sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cos, नहीं सॉरी sin का cos होता है, तो 2 cos x, और ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2 और x, तो मीन्स 2 cos x + 8x, दिस इज योर आंसर। तो आ गया समझ में? और क्वेश्चन हम ले लेते हैं अभी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है y = sin²x + log x + 4e⁴x, तो वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो dy/dx sin²x + dy/dx log x + 4 बाहर आ जाएगा dy/dx e⁴x। तो देखिएगा यहाँ पे sin²x, कभी भी ध्यान रखिएगा, जैसे sin²x लिखा, इसका मतलब ये होता है कि sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। sin²x लिखा है मतलब sin x का होल स्क्वायर लिखा है, मीन्स पहले पावर का होगा, तो पावर सामने आएगी, हो जाएगा 2 sin x, ऐसा ही रहेगा, 2 - 1 करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, अभी आपने किसका करा है, सिर्फ पावर का करा है, अब आप sin x का भी करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ये चीज़ का ध्यान रखना है। log x का हो गया 1/x और 4e⁴x, तो दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो इसको आगे भी लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के थ्रू, 2 sin x cos x आपका sin 2x होता है, 1/x + 4e⁴x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो सिंपल हो गए, अब मैं आपको यहाँ पे डबल फंक्शन वाले फॉर्मूले लेके आता हूँ। डबल इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आप इसके फॉर्मूले आपको लर्न करने, विदाउट फॉर्मूले कुछ नहीं होगा। अगर सपोज करो डबल फंक्शन कैसे होता है, मैं आपको बता दूं, डबल फंक्शन जब कोई दो नंबर दो इनटू में लिखे हो, जैसे आपको लिखा है x² cos x लिखा है और आपसे कहा कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप इसको y मान लेंगे। अब वहाँ पे डबल फंक्शन, एक फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कर दो, और सेकेंड ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे सपोज करो आप दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, आप कहीं कॉलेज में जाते हैं, तो आप दोनों अभी लाइन में लगे, तो जैसे क्या होगा, जैसे ही आपके भाई का आपके फ्रेंड का काम हो रहा है तो आप खड़े रहोगे, है ना, और फिर जैसे ही उसका काम होगा फिर आपका काम होगा, वो खड़ा रहेगा, तो वैसे फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर सेकेंड ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसमें ये भी कोई झोल नहीं कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकेंड किसको मानना है, किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकेंड मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, dy/dx, फर्स्ट ऐसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप सेकेंड का, और फिर सेकेंड ऐसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप फर्स्ट का। तो x² ऐसे ही cos x का क्या होता है, -sin x cos x, और इसका क्या हो जाएगा 2x, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। सिंपल क्या किया आपने, फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पहला क्वेश्चन फिनिश। मैं और भी क्वेश्चन आपको बता दूँ इससे रिलेटेड। जैसे ही क्वेश्चन लिखा है log x (sin x) लिखा है, ठीक है, तो वही फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx क्या हो जाएगा आपका, log x ऐसा ही रहेगा,
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस फिर साइन एक्स ऐसा ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स ऐसा ही है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, फिर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, बिल्कुल सिंपल है। तो डबल फंक्शन आ गया समझ में आपको। अब हम तीसरा होता है इसके बाद आते हैं हम डिवाइड वाले पे, किस पे आते हैं डिवाइड। तो डिवाइड में ज़रूर आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सेकंड का, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिवाइड में जैसे सपोज करो ये लिखा है, कोई भी क्वेश्चन लिख दिया जैसे साइन एक्स अपॉन में ई टू दी पावर एक्स क्वेश्चन है, आपसे कहा कि डिफरेंशिएशन करो, तो डिवाइड वाला फंक्शन लगता है जैसे इसको मैं यू अपॉन वी मान लेता हूँ, u अपॉन v, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे होगा आपका v ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस फिर आपका v u ऐसा ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ v और अपॉन में v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है प्रॉपर कि u कौन है v कौन है, वही फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट सेकंड ऐसे रहेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे मैं इसको करूँगा तो ई टू दी पावर एक्स ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस फिर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स और अपॉन में ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स और यहाँ पर ई टू दी पावर टू एक्स हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों में से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में ई टू दी पावर टू एक्स, तो एक ई टू दी पावर एक्स एक ई टू दी पावर एक्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में ई टू दी पावर एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया। तो मीन सिंपल सी बात ये कि जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो डिवाइड करने में आपको ये डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं डिवाइड के लिए, जैसे कि आप क्वेश्चन दिया वाई इक्वल्स टू टेन एक्स अपॉन में लॉग एक्स, ये क्वेश्चन दिया आपसे कहा कि डिवाइड करो तो बोल डिफरेंशिएशन करो, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स माइनस टेन एक्स ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स और अपॉन में हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स ऐसे ही रहेगा log x का वन अपॉन एक्स और अपॉन में हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, तो अब पावर है तो इसको आप log x का होल स्क्वायर ऐसे ही चलने देंगे, ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो अदरवाइज यही आपका आंसर है इतना ही। तो बेसिक चीज़ है कि आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसका टाइप पहचानना है और आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम दो तीन क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब डिफरेंशिएशन इस तरीके से भी ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये लिखा है साइन एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स इसका डिफरेंशिएशन करो, तो बहुत सिंपल है, इसमें कौन सा फंक्शन लगेगा ये दो इंटू में लिखा है तो डबल फंक्शन और ऐसे ही रहेगा, तो मैं साइन इनके वाई कॉस टू मानूंगा तो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन एक्स ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स फिर टेन एक्स आपका ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, अकेला है तो अकेले ही रहने दो, तो साइन एक्स ऐसे ही रहेगा टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स फिर टेन एक्स ऐसे ही रहेगा साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यह माइनस का कॉस एक्स और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। सीधी सी बात है अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो आपका मल्टीप्लाई फंक्शन में है या फिर आपका डिवाइड में है या फिर नॉर्मल है, तो इस तरीके से ही आपका जो डिफरेंशिएशन के जो मेन क्वेश्चन जो मेनली उसका कंसेप्ट यही रहता है। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और अगर आपको आगे इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और दूसरी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।